ज्योमेट्रिकली पाइथागोरस प्रमेय की जांच करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइनें बनाई हैं और ये लाइनें जो हैं परस्पर लंबवत हैं, हम इनको देखेंगे। देखिए 90 अंश के कोण पर हैं, मतलब समकोण त्रिभुज का पूरा काम अपना इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर दो भुजाएँ बनाने वाला हूँ। तो पहली भुजा जो है मैं बनाने वाला हूँ 3 सेंटीमीटर की, यहाँ पे अपनी पहली भुजा जो है ये 3 सेंटीमीटर की बना दी मैंने, और ये वाली भुजा मैं 4 सेंटीमीटर की बनाने वाला हूँ। तो पाइथागोरस का प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 और 9 25, ये कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर आ गया आपका अंडर रूट 25, मतलब 5। तो ये 5 आना चाहिए, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये 5 आ रहा है कि नहीं। पहले अपन इसको मिला लेंगे कर्ण को, और अब देखिए आप एग्जैक्टली ये 5 ही आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय सही है। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा सही लगे पढ़ने के लिए। देखिए हम यहाँ पर आधार जो है अपना 5 ले रहे हैं, ये अपन ने 5 ले लिया यहाँ पे अपना आधार, और ये जो लंब है ये अपन 12 ले रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरिटी आए। थोड़ा बड़ा आधार लें तो यहाँ पे अपन ने 12 ले लिया। तो पाइथागोरस का प्रमेय फिर वही बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 144 और ये हो गया 169, ये आपका कर्ण का स्क्वायर है। तो कर्ण आना चाहिए अंडर रूट 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। चेक करेंगे 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अपन इसको मिला लिया, और अब आप देखते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल फाइन 13 ही आपका कर्ण आ रहा है। और एग्जांपल हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिसमें हमने जो लंब लिया है वो 8 सेंटीमीटर लिया। आप देखिए 8 सेंटीमीटर लंब है, और आधार जो हमने 6 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से वही कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, ये आपका आ गया 100। कर्ण का स्क्वायर 100 है, इसलिए कर्ण बराबर 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल 10 है। अब देखेंगे वर्गमूल 10 होता है कि नहीं होता है। ये देखिए अपन इसको कर्ण को मिला दिया है, और अगर आप शार्पली देखें तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल पॉइंट 10 पे ही है, बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा। तो फिर एक पाइथागोरस प्रमेय होता है प्रूफ के वाकई कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। इसको आप घर पे भी करके देख सकते। दोस्तों अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सत्य है कि नहीं, मतलब यदि भुजाएँ त्रिभुज में ऐसी हैं जिनके दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय यह है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। अब हम उल्टा देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 अपन की त्रिभुज की भुजाएं बनाते हैं, तो इसमें 3 और 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर, 3 और 4 के स्क्वायर का योग 5 के स्क्वायर के बराबर, ये अपन ने देख ही लिया अभी। ठीक है, तो अब ये 3, 4, 5 का अपन त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मल से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना लेते हैं यहाँ से शुरू करते हुए। यहाँ पे अपना 4 सेंटीमीटर रेखाखंड बन गया है। अपन को दो भुजाएँ बनानी, 1 3 और 1 5। सबसे पहले मैं 3 बना ले वाला हूँ, यहाँ पे 5 भी बनाएंगे 3 भी बनाएंगे। तो पहले अपन 5 चाहे तो 5 बना सकते हैं, ये अपन पहले ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की भुजा हमारी बन चुकी है, और यहाँ से अपन एक चाप लगा देंगे जो कि होगा 5 सेंटीमीटर का। ये हल्का सा चाप हम बिल्कुल लगाते हैं नॉर्मल सा। अब हमें 3 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, हम 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। और ये 3 सेंटीमीटर का चाप लग चुका है हमारा,
और इस चाप को थोड़ा सा कट करेंगे, जो कि सही से कट नहीं हुआ है, और अपन थोड़ा सा फिर से इसको आगे बढ़ा के 5 सेंटीमीटर वाले चाप को कट करेंगे। चलिए चलिए, अब ये चाप कट हो चुके हैं, तो अपन अब 3, 4, 5 भुजा वाला त्रिभुज बना चुके हैं। अपन इसको पूरा कर देंगे। तो ये आपका 4 है, ये आपका 5 और ये 3 है। अब अगर गौर करें तो ये अपने आप ही ये त्रिभुज जो है ये देखिए 90 अंश का, तो ये कोण जो है वो अपने आप ही 90 अंश का बन चुका। मतलब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी सत्य है कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज जो है वो ऑटोमेटिकली समकोण त्रिभुज बन जाता है। मतलब ये भी सही है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और इसका उल्टा कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें हमने एक भुजा ली है 8 सेंटीमीटर की। देखिए भुजा क्लियर दिख रही होगी, ये 8 सेंटीमीटर की एक भुजा है। अब हम जानते हैं कि 6, 8, 10 वाला जो होता है, इसमें 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और इनका योग होता है 100, जो हमारा 10 का स्क्वायर है। तो इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज होगा? इसकी जांच करने के लिए हम इसमें 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजा बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ परकाल में 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। आप पहले 6 भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परकाल में हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया है और अब हमें एक भुजा बनानी है 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ रख के यहाँ किसी भी तरफ रख के आप बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपनी एक भुजा बन जाएगी जिसका चाप है 10 सेंटीमीटर का चाप है यहाँ पे। और अब हम लेंगे 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, कि यहाँ पे हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर का चाप, जी हाँ। और अब अपन यहाँ इस पॉइंट पे रख के इसको काट देंगे, और अब इन दोनों का जो कटान बिंदु है बहुत सावधानी के साथ लंबवत देखते हुए उसको अपन इससे मिला देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपना त्रिभुज बन चुका है और क्लियर कट, ये 8 है, ये 6 है और ये 10, इनको नाप सकते हैं हम। और ये त्रिभुज जो है ये देखिए दोस्तों, ये क्लियर कट कोण है वो बिल्कुल एकदम 90 अंश है। और फिर एक बार प्रूफ हो गया कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज बनता है।